गेहूं की एक डेयरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपने निकालना है आयतन, फिर आपने निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। सबसे पहले निकालते हैं हम आयतन। तो एक हमारे पास शंकु टाइप की ढेरी है, कुछ ऐसे करके है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास शंकु की ऊंचाई यानी कि ढेरी की ऊंचाई है। यहाँ से ये लेकर यहाँ तक आपके पास आर है जो कि शंकु का त्रिज्या कहलाता है। आपको दिया गया है व्यास, तो व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या। फिर आपको ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई आपके पास है 3 मीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके पास होता है तिर्यक ऊंचाई जिसे हम लिखते हैं एल से। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम आयतन। तो ढेरी का आयतन हमारे पास हो जाएगा शंकु का आयतन यानी कि 1/3 πr²h। 1/3 π का मान 22/7, आर का स्क्वेयर यानी कि 10.5/2 को हम लिख देंगे 2 बार, गुणा में एच। एच हमारे पास है 3, तो हमारे पास 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से हमारे पास कट जाएगा ये, और हमारे पास 7 पे कट जाएगा। 7 × 7 = 7 दशमलव लग जाएगा। 7 × 5 = 35, 2 × 2 = 2 दशमलव, 2 × 2 = 2, तो हमारे पास मान बच जाएगा 11 × 1.5 × 5.25। अब हमें इनको गुणा करने, सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.25 × 1.5 करने में 1.5 से ये हो जाएगा 25, 2 × 5 = 10 = 11 = 12 = 1, 25 और 1 हो जाएगा 26, 5 × 2 = 5 जोड़ देंगे 5, 7, 8 और 7, दशमलव मेरे पास हो जाएगा 1, 2, 3 के बाद यानी कि यहाँ पर। अब हमें 11 से और गुणा करना है, तो हम 11 से और गुणा कर देंगे, तुम्हारे पास मान आ जाएगा 5, 7 और 5 = 12, 8 और 8, 16, 8 और 8 = 16, और ये मेरे पास आ जाएगा और 8 दशमलव हो जाएगा 3 दशमलव के बाद यानी कि 86.625 m³ आपके पास आ जाएगा आयतन। पहले का आपके पास उत्तर आ गया है, अब निकालेंगे हम दूसरे का उत्तर। दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि इस गेहूं की ढेरी को हमने ऊपर ऊपर से ढकना है, नीचे से नहीं ढकना है। तो हम निकाल लेंगे ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन हमें निकालना है ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है आपके पास πr(l)। l का मान हमें पता नहीं है, हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो ये हमारे पास होता है समकोण, समकोण के सामने हमारे पास होता है हमेशा कर्ण, यहाँ पर हमारे पास है आधार, यहाँ पर हमारे पास है लंब। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, वो हमें कहती है कर्ण का स्क्वेयर बराबर होता है आधार का स्क्वेयर जमा लंब का स्क्वेयर। कर्ण का मान हमें निकालना है, आधार हमारे पास है आर का स्क्वेयर यानी कि 10.5/2 का स्क्वेयर जमा लंब का स्क्वेयर, लंब हमारे पास है 3 का स्क्वेयर।
तो हम वैल्यू को कर लेते हैं सोल्व, तो ये हमारे पास कट जाएगा 5.25 आ जाएगा, यानी कि हमें इसका स्क्वायर करना है 5.25 को गुना करना है, ये हो जाएगा 25, 5 × 10 = 11, 12, 1 = 25 और 1 = 26, 5 × 10 2 × 4 = 5 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी सेम वैल्यू ही, यानी कि 5, 2, 6, 2 इनको जोड़ देना है हमें, 5, 2, 16, 5, 7 और ये हो जाएगा 2। दशमलव हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4 के बाद, 1, 2, 3, 4 के बाद। फिर हमें इसके अंदर 3 × 9 को जोड़ देना है, यानी कि हम 9 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36.5625, यानी कि जो हमारे पास एल का मान आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 36.5625 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसके इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड को, जो कि हमारे पास कुछ ऐसे करके लगता है 36.5625, यहाँ पर मेरा पॉइंट है, हम जोड़े बनाने स्टार्ट कर देंगे, यहाँ मेरा पॉइंट है, यहाँ से हम उल्टी तरफ को जोड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले 6 है, तो 6 × 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर हमारे पास 56 उतर जाएगा, 6 × 56 मेरे पास हो जाएगा 12। अगर हम 1 से करते हैं तो 121 आ जाएगा, तो 121 56 से बड़ा है तो हम 0 लिख लेंगे और यहाँ से ये जोड़े को उतार लेंगे, तो 60 × 56 हो जाएगा मेरे पास 120, तो यहाँ पर 10 हम और लगा देंगे। फिर हम चेक करेंगे 1 से, तो ये मेरे पास 1201 हो जाएगा, तो 5625 ज़्यादा है, तो हम कर देंगे इसको 4 से आगे सॉरी, यानी कि 1204 को मैंने गुना करना है 4 से, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये मेरा 4, 8, 1, 6 आ जाएगा। माइनस करेंगे 15 में से 6 जाएंगे तो मेरे पास आएगा 9, ये 0, 16 में से 8 जाएंगे तो मेरे पास आएगा 8, पॉइंट लगा हुआ है तो 20 मेरे पास आ जाएंगी पहले, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 4, 604 × 56 करेंगे तो मेरे पास आएगा 8, 0 और ये मेरे पास आ जाएगा 12। तो हम पहले करेंगे 1 से, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर मेरे पास 8 है, यहाँ पर मेरे पास 1, कहीं ना कहीं ये मेरे पास जाएगा 6 के आसपास, तो हम अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, तो हम L का जो मान है वो हम ले लेंगे 6.0, ये 5 से ज़्यादा है तो ये मेरे ना 5, तो ये 4 की जगह मेरे पास 5 हो जाएगा, तो ये मेरा मीटर में नीचे लिख देंगे मैं अप्रोक्स, यानी कि जो भी आंसर हमारे पास आएगा वह अप्रोक्स के अंदर ही आएगा। अब कर लेते हैं हम सोल्व, तो पाई का मान हमारे पास 22/7, आर का मान हमारे पास है 10.5/2, एल का मान हमारे पास आया है 6.05। अब इसको हम करना है सोल्व, तो ये हमारे पास वैल्यू कट जाएगी, अब काट देंगे 7 × 7, 7 × 7 पॉइंट लग जाएगा 7×5 = 35, तो हमारे पास ढेरी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 11 × 1.5 × 6.05 के। अब इसको कर लेंगे हम आगे सोल्व, 6.05 को गुना करना हमें 1.5 से, ये आ जाएगा 25, 6×5 = 30, 5, 0, 6, 5, 7, 0, 9। अब इस पूरी वैल्यू को हमने गुना करना है 11 से, तो 5, 7, 0, 9 ये हो जाएगा 5, 7 × 5 = 12, 8, 9, 9 पॉइंट हमारे पास आएगा 1, 2, 3 के बाद, 1, 2, 3 के बाद, तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वेयर, यही है आपका उत्तर।